हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज संडे है और जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, संडे में गार्डन ओवर भी होता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ मेरा गार्डन शेयर करवाऊंगा, कौन कौन सा नया अपडेट आया है। तो दोस्तों आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मेरा टेरेस के ऊपर लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ दोस्तों कौन कौन सा नया अपडेट आया है और कौन कौन सा नया रंग मेरा गार्डन में निखरा है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं मेरा टेरेस के ऊपर। तो देखा होगा दोस्तों थोड़ा झलक मेरा गार्डन का। तो दोस्तों देखा कितना सुंदर लग रहा है मेरा गार्डन। दोस्तों अभी बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहा है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो बालसम का कितना ब्यूटीफुल कलर्स है। देखिए बहुत अच्छा कलर है दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है गार्डन। अभी अभी फूल खिलना शुरू किया है दोस्तों बालसम में, देखिए, और कलियां में पूरा भर गया है। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे पॉली बैग है उसमें जो बालसम का पौधा को लगाया है। और देखिए दोस्तों आज कितना खूबसूरत फ्लावर खिल रहा है मेरे गार्डन में और कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए दोस्तों बहुत ही हेल्दी प्लांट्स है। देखिए जितना भी पौधा मैंने लगाया था बालसम का दोस्तों, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा मैं कलियाँ तो आ गया है दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा फूल खिलेगा तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कितना खूबसूरत फ्लावर पिटूनिया क्या है। देखिए पिंक कलर का बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये मैंने कटिंग से लगाया था दोस्तों पिटूनिया का। देखिए दोस्तों आपको जितना फूल भी खिल के सूख जा रहा है ना, तो उसको तोड़ देना है दोस्तों, क्योंकि ब्रांचेस निकलता है और ज़्यादा ब्रांच निकलकर ज़्यादा घना होता है पौधा। तो दोस्तों आपको ऐसा करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बालसम लगाया है, कॉस्मोस का फ्लावर है, देखिए जो क्राउन डेजी का फ्लावर भी, देखिए दोस्तों फूल खिलना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए दोस्तों ये तो विंटर में और बहुत ज़्यादा फूल खिलता है और बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बालसम पौधा थोड़ा खराब हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ फंगस का अटैक हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए परलेंस का बहुत ही भर भर के फूल खिलता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए पिटूनिया भी बहुत ज़्यादा फूल खिल रहा है दोस्तों, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था। तो दोस्तों पिटूनिया आपको अभी कटिंग से लगा हुआ तो बहुत ज़्यादा पौधा घना होगा और बहुत ज़्यादा ज़्यादा फूल देगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको इस तरीके से हाथों से तोड़ देना है, जितना भी फूल सूख रहा है तोड़ने से दोस्तों पौधा बहुत घना होगा और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बालसम मैंने लगाया है और देखिए बहुत ज़्यादा जो कटिंग्स भी मैंने लगाया है दोस्तों। और दोस्तों आप अभी विंटर के लिए बहुत ज़्यादा कटिंग लगा सकते हो, जैसे कि दोस्तों मैरीगोल्ड का हो गया और जो क्रिसेंथमम का हो गया और पिटूनिया का हो गया, ये सब आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो और बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हो दोस्तों और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने नागचंपा का कटिंग लगाया था तो आज दोस्तों मुझे दो फूल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जो कॉस्मोस का प्लांट है दोस्तों, उसको मैं अच्छे से केयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जा रहा था तो दोस्तों मैं उसको कटिंग किया हूँ दोस्तों। देखिए आज कितना अच्छे तरीके से घना हो रहा है पौधा और अच्छे से ग्रोथ हो रहा है दोस्तों इसका भी, आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्लांट है और बहुत हेल्दी प्लांट है ये भी दोस्तों, और अच्छे से ग्रोथ हो रहा है इसका। तो देखा दोस्तों आप कितना सारा पौधा को मैं केयर कर रहा हूँ अभी, और सब दोस्तों जो पॉली बैग में है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से लगा सकते हो और उसका केयर कर सकते हो।